नमस्कार साथी, ये देखिए एक होम थिएटर बनने के लिए आया है। ओडेसी का होम थिएटर है। प्रॉब्लम यह है कि चालू नहीं हो रहा है। इसको घुमा लेते हैं, घुमा के आपको दिखाते हैं। ये वायर इसका, एक बार आपको हम दिखा देते हैं सामने से घुमा। ये देखिए इस होम थिएटर का हालत देखिए, यहाँ से कैसा अजीब सा। ये बोर्ड जो है, बोर्ड को लग रहा है कि बोर्ड सड़ गया है, अंदर में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार, इसको सीरीज लाइन में देख लगा के देख लेते हैं कि ये शॉर्ट है या इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये सीरीज लाइन इसी में हम लगा के एक बार देख लेते। तो ये इसको यहाँ पे ले गए, स्विच ऑफ किए, ऐसे लगा दिए, लाइन दिए। ये देखिए स्विच ऑन है, लेकिन ये चालू नहीं हुआ अभी तक। इसको एक बार घुमा लेते हैं दोस्तों, घुमा के हम देखते हैं कि सामने की तरफ लाइन आया कि नहीं आया। अब देखिए सीरीज लाइट भी ग्लो नहीं कर रहा है, आप देख रहे हो सीरीज लाइट जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। इसके मतलब ये जो है शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए लाइन, वॉल्यूम सब ठीक है। इसको अंदर खोल के हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। चलिए घुमा लेते इसको एक बार पीछे की ओर, इसका लाइन काट देते हैं दोस्तों एक बार, नहीं तो शॉर्ट मार सकता है। ये लगा लिए दोस्तों, अब इसको हम खोल लेते हैं एक बार, खोल के आपको दिखाते क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर में। तो दोस्तों इसको खोल लिए हैं, काफ़ी ये मजबूती से फंसा हुआ था लकड़ी, जैसे खोल के निकाल दिए हैं। इसका स्क्रू, एक स्क्रू यहाँ पर रह गया, टूट गया। इसको फिर से ये वाला बॉडी जो इसको चेंज करना होगा, चेंज करके नया बॉडी में लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा जरा हालत, यहाँ पे ये चूहा का काम है, दूसरे किसी का काम नहीं। ये देखिए ये तार जैसे तैसा करके जुड़ा हुआ है, एसी का लाइन का तार है, 12012 का जो तार जाता है दोस्तों यहाँ से। तो ये देखिए ये सेकेंडरी का तार है, लेकिन यहाँ से देखिएगा एक तार गायब है। ये वाला शायद 12.0 पे चलता है, इस पर कुछ लिखा हुआ है आउट इन, इसी 12 में ही 12.0 वोल्ट में ये चलता है। हो सकता है ये 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर हो। यहाँ पे देखिएगा ये ट्रांसफार्मर का हालत दोस्तों, यहाँ से जब चला रहे तो चल नहीं रहा था। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का एक लाइन तो है, लेकिन ये काफ़ी बुरी तरीके से चूहा जो है काट के इसको बैंड बजा दिया है। ये छोटा सा जो है ये बोर्ड है, ये आईसी वाला, जो आईसी वाला होम थिएटर का बोर्ड है, ये आईसी से बसता है। टोटल आईसी के ऊपर ये निर्भर है, 2 आईसी इसके अंदर लगा हुआ, उसी आईसी के ऊपर चलता है। यहाँ तक इसका जो तार है अंदर में, ये अंदर में देखिए कितना गंदा है, देख रहे चूहा की है सब। ये वाला तार खुला हुआ है, ये तार यहाँ पर लगेगा, ये वाला तार यहाँ पर लगेगा। देखिए ये जगह पे तार है, यहाँ पर लगाना है। फिलहाल इसको सफाई कर लेना होगा, एक बार कर लेना होगा, हम कर लेते एक बार सफाई इसको। तो दोस्तों इसको साफ़ सफाई करके लाए, देखिए इसके अंदर काफ़ी धूला था, तो इसको पहले भी रिपेयरिंग हो चुका है। देखिए ये तार यहाँ पर खुला हुआ, देखिए यहाँ पर कैसे करके तार को जोड़ा गया है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर का तार तो चूहा काट दिया, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला खुला हुआ है ट्रांसफार्मर का ही लाइन, लेकिन यहाँ घुमा के देखिएगा तो यहाँ पर नट लगा हुआ है। तो इसका मतलब इसको एक नट में अटका दिया गया है, ये नट किसी कारण खुला नहीं है। तो ये ट्रांसफार्मर बड़ा ट्रांसफार्मर, इस वक्त इसका कोई छोटा ट्रांसफार्मर दोस्तों इसमें होता है, लेकिन इसमें बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ये काफ़ी बुरा कंडीशन में है, इसको बनाएंगे। और इसका आगे का पार्ट भी हमें खोलना होगा, क्योंकि ये देखिए इसके अंदर स्पीकर जो है, स्पीकर को काट के क्या किया है, आपको थोड़ा लाइट में ला कर दिखाते हैं। देखिए स्पीकर को भी, जो बूफर होता है बूफर को भी काट के इसको हालत ख़राब कर दिया है। इसके अंदर भी काफ़ी मैला है, तो इसको पूरा खोल के हमें बनाना पड़ेगा। तो इसको हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका इस बूफर लाना पड़ेगा, इसका ट्रांसफार्मर को रिपेयरिंग करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसका जो सामान लाना है लाने के बाद ही इसको पूरा बनाया जा सकता है। स्पीकर भी काट दिया है, तो स्पीकर ये बूफर जो अंदर में है उस बूफर को ठीक करना पड़ेगा। इस बॉडी को जो है टूट गया है, तो इस बॉडी को भी बनाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, इसके बाद वाला वीडियो में आपको ये होम थिएटर को पूरा बना कर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए मेरा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए, मेरा वीडियो से अगर कुछ सीखते हैं आप, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो तो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करते नहीं हैं, तो उम्मीद है आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।